की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एतिहाद ए मिल्लत काउंसिल उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ है। नदीम कुरैशी, पैगंबर ए इस्लाम की शान में लगातार पिछले कई वर्षों से नबी की शान गुस्ताखियां हो रही है। नदीम कुरैशी, एतिहाद ए मिल्लत काउंसिल उत्तर प्रदेश की जानिब से लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं नदीम कुरैशी, और उस ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगे ये है कि महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी महाराज द्वारा जो पैगंबर इस्लाम से गुस्ताखी की गई है वो ना काबिले बर्दाश्त है। नदीम कुरैशी, मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है, उसकी वजह यह है कि पैगंबर इस्लाम की शान में लगातार पिछले कई वर्षों से और कई महीनों से गुस्ताखियां हो रही हैं। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल की जानिब से आज लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, और उस ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगे ये हैं, महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी महाराज द्वारा जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे देश का नहीं दुनिया का मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारी मांगे ये है कि ऐसे लोगों को जेलों में क्यों नहीं डाला जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर FIR दर्ज हैं। कभी दिल्ली में हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, कभी उत्तर प्रदेश में हमारे पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, कभी महाराष्ट्र के अंदर गुस्ताखियाँ की जाती हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और अगर देखा जाए तो मुसलमान पूरे देश का और पूरी दुनिया का कभी भी किसी के लिए, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, कभी उनके भगवान की शान में गुस्ताखी नहीं करता। तो हमारा मानना सीधा सा है कि जब हम किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करते, आपके भगवान की शान में गुस्ताखी नहीं करते, तो हमारे पैगंबर की शान में भी गुस्ताखी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अपने धर्म के बारे में सत्संग करके लोगों को बताइए ना, आप हिंदू धर्म का सत्संग कर रहे हैं तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए हिंदू समाज को, ना कि मुस्लिम समुदाय के बारे में जो आप अपने सत्संग के अंदर बताते हो, ये सरासर गलत है। और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर बहुत जल्द एक कानून बनाया जाए, जिससे कि जो लोग धर्म विशेष के लोगों के पैगंबरों पे या भगवान पे अगर गलत टिप्पणी करें तो उनके खिलाफ सख्त कानून बने और उसकी सख्त सजा हो।